सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी एक यूट्यूब चैनल है उसी प्रकार हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए। हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर, इसका कट ऑफ वीडियो का जो एग्जाम चल रहा है यूपी में, उसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए, हमें कितने क्वेश्चन करके आना चाहिए, या फिर हमने इतने क्वेश्चन किए हैं हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल नॉर्मलाइजेशन चल गया है, किसी के मार्क्स कम हो जाएंगे, किसी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो शिफ्ट के आधार पर आपका जो एग्जाम हुआ है, जिस शिफ्ट में हुआ है, उसका लेवल क्या है, उस लेवल के आधार पर आपके जो मार्क्स रहेंगे वो घट बढ़ जाते हैं। किसी शिफ्ट के मार्क्स कम हो जाएंगे, किसी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आपके यदि आपका शिफ्ट का पेपर टफ है तो आपके कम मार्क्स आने पर भी नंबर बढ़ जाएंगे, और जिस शिफ्ट का पेपर सिंपल होता है उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये उस शिफ्ट के लेवल पर डिपेंड करता है कि उसका जो एग्जाम लेवल है वो कैसा रहा पेपर का। अपने अनुमान के आधार पर पुराने कट ऑफ को लेकर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, जो आपका कट ऑफ लगभग इतना ही रहेगा। लगभग का मतलब हो सकता है एक दो नंबर आपका ज्यादा कट ऑफ जा सकता है या एक दो नंबर कम जा सकता है, ऑन एन एवरेज आपका कट ऑफ इसके रेंज में रहेगा। तो देखिए दोस्तों, एक कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बनाया है पुराने कट ऑफ को देखते हुए। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ वैसे ही सबसे ज्यादा जाता है, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 200 से लेकर 220 के अगर बीच में भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उसका रीजन है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है, 1/2। दो क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो और आपने 190 से लेके 200 तक के नंबर के मार्क्स सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और यदि आप एससी कैटेगरी में आते हो और आपके मार्क्स जो है 180 से लेके 190 में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके नंबर 160 या इससे प्लस आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन गलत होने पर आपको एक क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे।